फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सो फाइनली गुप्त नवरात्र आ ही गए हैं और गुप्त नवरात्र आए, चलो चुपके से मैया को मनाएं। वो देख रही है चुप चुप के हम सबको, चलो प्रत्यक्ष उनसे मिल आए। फैला के आंचल भक्ति का, मांग लो मैया से जो मांगना है, वो भरेगी झोलियाँ हम गरीबों की, चलो माँ से प्रत्यक्ष रूबरू हो जाए। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्र तो हम सब मनाते हैं, पर जब गुप्त नवरात्र आते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ साथ दिल धड़कता है जोरों से, क्योंकि खुशी के साथ साथ भय का भी माहौल व्याप्त हो जाता है। ये वो समय होता है जब आप सृष्टि के साथ एकाकार होते हैं, लय एक हो जाती है। बाहर भी बारिश और अंदर भी भावनाओं की बारिश। साथ ही साथ मौसम के परिवर्तन का महात्योहार है गुप्त नवरात्र। तामसी शक्तियाँ जब जोरों से अनियंत्रित हो जाती है, तो इन्हें कस कर नियंत्रण में कर माई लाइफ माई रूल्स, इसका अद्भुत त्यौहार मनाया जाता है। आपको सिर्फ YouTube की हेडिंग में पढ़ने के लिए नहीं कि जो चाहोगे सो मिलेगा, बट अपने अंदर के मैजिक को सामने लाने का, जगाने का त्यौहार है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्र क्यों और कैसे मनाना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारी डेट्स बताई है, किस प्रकार से कौन कौन सी दो तीन साधनाएँ आपसे शेयर की है, साधनाएँ क्या और कैसे करने हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर सुन लें। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी हमें सावधानियाँ रखना है। साधनाएं हमेशा कैसी होनी चाहिए, अपनी प्रकृति, अपनी ज़रूरत, अपनी नियति, अपने समय की अवेलेबिलिटी और अपने साधन की अवेलेबिलिटी के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। देखा देखी में आपको कभी भी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, बड़ा बनने के चक्कर में कभी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद को पहचानने का त्यौहार है। अतः खुद की शक्तियों को जानकर समझकर अपनी साधना पथ पर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी बड़ी साधनाओं का नाम सुनकर अट्रैक्ट ना हो। परी साधना, अप्सरा साधना, जिन्न साधना, ब्रह्म राक्षस, बेताल, डायन, अनगिनत साधनाएं होती है, इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की डोर ये साधनाओं के चक्कर में कब उलझ जाएगी, निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। आजकल लोग बड़ी बड़ी साधनाएँ और वशीकरण बिना जानकारी के, बिना कोई प्रयोग किए ही भाषण दे देते हैं। अनुभव कुछ भी नहीं होते, जीरो होता है। और सो कॉल्ड साधक और योगी आपको साधनाएं कराते हैं जिन्होंने खुद कभी नहीं किया, तो ऐसे में ना तो आपकी कोई साधना सफल होगी और उल्टा पुल्टा आप अगर कहीं बंध गए उल्टे मंत्रों के उच्चारण के चक्कर में, तो आपको नुकसान पहुंचेगा। हमेशा प्रथम चरण से शुरू करें, धीरे धीरे अपनी शक्तियों को हैंडल करते हुए अपने साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य पर साधना करनी चाहिए। वैसे गुरु आप किसी को भी माने ठीक रहता है, पर प्रत्यक्ष आप हाथ पकड़ करके जो आपको पार लगाए, गुरु मंत्र दे करके साधनाएं कराए और सच्चा योगी स्वयं हो, उसके सानिध्य में, उसके गाइडेंस में ही आपको साधना करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा आते आते आप देखते ही होंगे चैनल्स पर चारों तरफ गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा देने की भीड़ लग जाती है। गुरु दीक्षा लेना या देना बड़ी बात नहीं है, पर वैसे भाव उतना विश्वास, पहले आपको गुरु पर आना चाहिए और तब देवी या देव या पारलौकिक शक्तियों तक आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे क्या होता है, जब बच्चा चलना सीखता है तो मम्मी पापा हाथ पकड़ पकड़ कर चलाते हैं, धीरे धीरे कब छोड़ देते हैं पता नहीं चलता, बच्चा चलना सीख जाता है। इसी तरह जब आप साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं तो गुरु भी कब आपको साधना पथ पर आगे ले जाता है, मंजिल तक पहुंचा देता है, पता भी नहीं चलता। तो गुप्त नवरात्र है प्रॉपर वे से किसी गुरु की आज्ञा ले करके गुरु द्वारा ही आपको साधना चुननी चाहिए। और खुद से कोई साधना सीखनी हो तो पहले अपने गुरु द्वारा सर्वप्रथम समझें कि उस साधना के झटकों को झेलने के लिए आप तैयार हैं या नहीं। साधना शुरू करने से पहले साधना की उचित सामग्री भी आपको अपने पास जुटा कर रखनी चाहिए। विधि ठीक से समझकर, सुरक्षा के नियम, बेसिक डिटेल्स आदि समझकर ही आपको साधना शुरू करनी चाहिए। जिस दिन साधना शुरू करनी हो उसके एक दिन पहले से ही अपने भोजन, अपने समय, अपनी नियमितता, अपने व्यवहार, अपने कर्म, जप और तप को लेकर बिल्कुल नियमित और साथ साथ संयमित हो जाए। नियमित मतलब नियम होना चाहिए टाइम टू टाइम, और संयमित मीन्स लिमिटेड होना चाहिए।
ध्यान रखें, किसी भी देवी या देवता की साधना के लिए आप उन्हें नहीं चुनते हैं, साधना आपको चुनती है। अतः नियमों का पालन सख्ती से करें, डरना नहीं है, बल्कि अपनी साधना की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए नियम पालन करना चाहिए। जो पुरुष है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन स्त्रियों को अपने पीरियड्स का भी ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार की समस्या आने वाली है तो साधना ना उठाएं। तांत्रिक जो थर्ड लेवल की साधना करना चाहते हैं वो पीरियड्स में साधना कर सकते हैं गुरु आज्ञा से, लेकिन नॉर्मल सात्विक और शुरुआती साधक इसका प्रयास ना करें। इस दौरान सबसे पहली ज़रूरत साधना के समय की नियमितता है। अतः पहले एक समय फिक्स करें, किस समय करेंगे साधना, जैसे हत्ता जोड़ी साधना है, सियार सिंगी साधना है, श्री यंत्र साधना है, मृग साधना है, गायत्री साधना है, हनुमान साधना है, वीर हनुमान, कच्छप हुआ, दुर्गा शक्ति, काली, शिव, लक्ष्मी, सभी माता रानी से रिलेटेड जो जितनी साधनाएं हैं, इनके तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार की साधनाएँ की जा सकती है। रात्रि साधनाएं गुप्त नवरात्र में विशेष होती है तो ऐसे करें, या ब्रह्म मुहूर्त में होती है तो समय समझकर आपको शुरू करना चाहिए। रोज आपको एक ही समय पर साधना करना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल ऑरा क्रिएट होता है रोज अलग अलग समय पर। जैसे आपने आज 9:30 बजे रात्रि में साधना शुरू की तो कल आपने 10 बजे किया, परसों 10:30, वापस 9:30, कभी 9, ऐसा ना करें। समय का पालन करें, कोशिश करें, समय पे मतलब समय पे, एक मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, समय का पाबंद रहें। वस्त्र जो आप धारण करेंगे साधना के दौरान, रोज एक ही वस्त्र पहनने चाहिए। पहले से पहने हुए, धुले हुए, गंदे, फटे हुए वस्त्र पहनकर साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है, बहुत बुरी है, तो कोई बात नहीं, अन्यथा जानबूझकर फटे हुए या सिले हुए वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। जो भी कपड़ा धारण करें, ट्राई करें, कोरा होना चाहिए, नया होना चाहिए। और साधना का नियम होता है एक वस्त्र में, उसे मेंटेन करें। जो पुरुष है वो धोती गमछे में साधना कर सकते हैं। स्त्रियां अगर साड़ी धारण कर रही है तो बिना फॉल पीको, बिना सिलाई किए हुए ब्लाउज के साथ साड़ी को लपेटें और धारण करें। और साधना के वस्त्र जो होते हैं उन्हें जूठे नहीं करने चाहिए, उन्हें पहनकर भोजन इत्यादि ना करें। अगर पूरे 9 दिनों तक आप सेम वस्त्र पहनकर ही साधना करना चाहते हैं तो आप चाहें तो, जैसे आप कपड़े नहीं बदलेंगे, ऑफिस आदि नहीं जाना है, आप सिर्फ साधना स्थली पे रहेंगे, तो आप 2 सेट कपड़े रख सकते हैं। आप एक आज पहन करके धो लीजिए, स्नान कर लीजिए, फिर उसके बाद कल आप दूसरे फ्रेश वस्त्र धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, साबुन का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ जल में निचोड़ कर आप उसे सुखा सकते हैं। इसी तरह से जब स्नान करेंगे तो कोई भी तरह के सुगंध, साबुन, अत्र आदि का प्रयोग आपको नहीं करना है। अपने स्नान के जल में कहीं पर भी गंध, बाद में भी परफ्यूम आदि, बॉडी स्प्रे आदि नहीं लगाना है। साबुन आदि का इस्तेमाल ना करें। शरीर पर जो गंध का इस्तेमाल है, आप चाहें तो, या अत्र है, वो साधना के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि या फिर कोई भी ऐसे ही जनरल कोई भी अत्र या परफ्यूम आपकी साधना में खलल डाल सकता है। इसी प्रकार से आपका जो साबुन है उसमें भी गंध है, वो भी आपके शरीर पर साधना पर नेगेटिव असर डाल सकता है। अपनी साधना स्थल को और कमरे को स्थापना करने से पहले पूरी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए। किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी है, जाले आदि लगे हुए हैं तो उसे साफ कर लेना है, और जहां स्थापना करेंगे उस जगह को गोबर माटी से थोड़ा सा चौकी लगा करके आपको पोंछ लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। ध्यान रखेंगे जो स्थापना करेंगे अगले 9 दिन तक वो हिलती नहीं है, चाहे आप 3, 5, 7, 11 दिन की भी साधना करें तो उतने दिन चौकी ऐसे ही रहेगी। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है आदि है तो साधना का कमरा स्थल अलग रखें। चूहे आदि हैं तो आपके घर में तो सावधानी पूर्वक चीज़ों को रखें, चौकी नहीं बिगड़नी चाहिए। जो भी चढ़ाए गए पुष्प आदि हैं वो रोज रात्रि में उतार कर रख दें। बाकी माता का श्रृंगार सिर्फ प्रथम दिन करना है, अगर रोज बदल सके तो ही रोज का नियम रखें, अन्यथा श्रृंगार को एक ही रखना चाहिए। जो देवी साधना कर रहे हैं वो श्रृंगार सामग्री कुछ भी जो श्रद्धा से है वो अवश्य रखें। बाद में उस जो श्रृंगार सामग्री है उसे आशीर्वाद के तौर पर आप खुद भी धारण कर सकते हैं या किसी सुहागन स्त्री को भेंट दे सकते हैं। अगर साधना की चौकी से कुछ गिर जाता है, बाय चांस खंडित हो जाता है, तो बहम विचार ना रखें।
इसे भगवत आज्ञा मानकर कोई विपदा टल गई है ऐसा सोचकर अपने गुरु माता पिता और जिस देवता की आप आराधना साधना कर रहे हैं उनसे क्षमा मांगकर साधना दोबारा से आप स्थापन करके आगे बढ़ाएं। रोज नियमित रूप से सारी साधना के बाद क्षमा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा घेरा जो बताया गया है आपको सुरक्षा विधि उसके अनुसार आपको सुरक्षा घेरा अवश्य बनाना है। जिस साधना में जो धूप जो बताई गई है वो ही इस्तेमाल करें, दूसरे गंध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसकी बाती दीपक आदि बताए गए हैं वो ही इस्तेमाल करें, गलत धातु का दीपक आदि इस्तेमाल ना करें। बाकी माटी शुद्ध होती है उसका माटी का दीपक हर साधना में इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ को छोड़कर जहां काची माटी के दीपक इस्तेमाल होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। पूजा साधना के दौरान कोई भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, अगर कोई ऐसे बर्तन है भी तो उसे पहले ही हटा दें। पूजा के जो मंत्र हैं उनके उच्चारण की विधि जो बताई गई है उसके अनुसार करें। धीमी जो मंद स्वर में बोलने वाले मंत्र हैं वो जोर जोर से, जो रौद्र मंत्र हैं वो आलस्य के भाव से, जो गुप्त मंत्र हैं उनका उच्चारण करके जोर जोर से हिल हिल कर उबासी लेकर आलस्य से भरकर गला खंखार के आपको बदन को जगह जगह टच करते हुए साधना नहीं करनी चाहिए, मंत्रों के उच्चारण नहीं करने चाहिए। एक जगह स्थिर बैठ करके ध्यान अवस्था में आराम से जो भी आसान सी मुद्रा में आप बैठ सकें उसमें बैठ करके अपना जप ध्यान आदि करना चाहिए। सुखासन हुआ पद्मासन हुआ ये कॉमन है, बाकी कुछ साधनाएं होती है जिसमें अन्य आसनों का प्रयोग होता है उन्हीं आसनों का प्रयोग कर साधना करनी चाहिए। अपनी साधना को गुप्त रखें, बड़ाई के चक्कर में लोगों को बोल बोल कर बता बता कर साधना ना करें। जितनी गुप्त रखी जाएगी साधना उतनी फलदायक होगी और ना ही आपको अपनी अनुभव किसी को साधना के दौरान प्रकट करना है। अगर कोई परेशानी है विपदा है तो आप अपने गुरु से इस विषय में बात करें। अगर आपके घर में कोई मुश्किल में है, कोई दोस्त परेशानी में है और आप चाहते हैं कि ये साधना वो भी करे तो आप अपनी साधना के बारे में उसे ना बताएं, बाकी आप उसे ये साधना सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अपने घर वालों को आप साधना बता सकते हैं लेकिन समझा दें साधना के दौरान कोई आपको टोके ना रोके ना। साधना के दौरान जो चौकी आपने लगाई है उसका भी कभी भी लांघना नहीं है और झाड़ू आदि अपने साधना के कमरे में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा पोछा मार करके उसे साफ करना चाहिए। साधना के दौरान बीच बीच में उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बीच बीच में बातें ना करें, हंसी मजाक आदि ना करें। अपने फ़ोन को पहले ही साइलेंट करके रख लें, पहले बाथरूम आदि जा लीजिए, बीच बीच में उठकर बाथरूम ना जाएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो पहले ही संकल्प में क्षमा मांगकर इसे संकल्प में इंक्लूड करें। साधना के दौरान उठना, बातें करना, छींकना, आवाज़ें करना, जो शक्तियों का आवाहन आप कर रहे हैं वो लौटकर जा सकती है, क्योंकि संयम का त्यौहार है तो संयम अवश्य रखें। अगर जोरा आए, कोई लगे कोई आवाज़ लगा रहा है, जोर का झटका लगे, लगे कोई हिला रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, गंदी गंध आने लगी, सुगंध आने लगे, ऐसा लगे कोई बदन नोच रहा है, खुजली आ रही हो, लहर हो, कांटे चुभ रहे हो, लगे कोई छू रहा है, तो भी आपको मंत्रों के जप रोक करके इधर उधर नहीं देखना चाहिए। चुपचाप एक ही स्वर में एक ही भाव से अनजान बने रहें, चुपचाप आँखें मूंद कर अपनी साधना जारी रखें। ज़्यादा भय लगे तो अपने गुरु का ध्यान करें और बाद में अपने गुरु से इस विषय में बात अवश्य करें। साधना तो करेंगे ही साथ भोजन आदि पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, हो सके तो 9 दिन अन्न का त्याग करें, फलाहार पे रहें, वो भी एक बार बार मुख जूठा ना करें। फलाहार बोल दिया तो ये नहीं कि कभी चिप्स खा लिया, कभी जूस पी लिया, कभी कुछ खा लिया, नहीं, 2 बार से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मुख जूठा नहीं करना है। बाकी एक समय भोजन करें तो वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी अगर जूस पे रह सके 9 दिन तो वो भी अच्छा है। तबीयत जिनकी खराब हो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के आगे बढ़े। साधना के दौरान गुटखा, पान पराग, तंबाकू, जर्दा, सिगरेट आदि साधना के दौरान किसी भी प्रकार की तामसी वस्तुओं का सेवन ना करें,
वरना साधना खंडित हो जाती है। मुख मचले तो गुरु मंत्र का जप करें, गुरु का ध्यान करें, गुरु चरणों का ध्यान करें। बाजार के जो पैक्ड फ्रूट्स हैं उसका सेवन या जूस आते हैं वो रियल जूस आदि, इसका सेवन ना करें। हल्का सुपाच्य भोजन करें, खूब तली हुई पूरियां, तेल, नमक आदि का सेवन ना करें। हो सके तो नमक का बिल्कुल त्याग कर दें, सेंधा नमक अगर चाहिए भी तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। अनाज का सेवन वैसे वर्जित है, फिर भी नहीं रह सके, कोई आपके पास साधन ना हो तो एक समय सात्विक भोजन करके आप भोग लगा करके भगवान को उसके बाद उसका सेवन करें। भोजन जब भी करेंगे साधना पूर्ण होने के बाद भोग लगाकर ही करना है, और अगर आपकी रात्रि साधना है तो पहले आप भोजन कर सकते हैं, पर उसके बाद मुख शुद्धि कर स्नान अवश्य करें। ऊंचा ना बोले, क्योंकि शक्तियाँ आसपास एक्टिव हो जाती है, वो दूर चली जाती है, इसलिए ऐसा ना करें। इस दौरान लड़ाई झगड़ा कलेश, बच्चों से मारपीट, बड़ों का, गुरु का अपमान, कोई मेहमान हो, कोई आगंतुक हो उसका अपमान, कोई भिखारी हो मांगने वाला आ जाए, किसी का भी अपमान ना करें। कब किस भेष में कौन आ जाए इस बात का ध्यान रखें, लेकिन आज के युग में अंधविश्वासी भी नहीं बनना है आपको। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में ऐसे ही ना घुसा लें, और इस दौरान कोई भी आपको कोई रुद्राक्ष दे, कोई भी ऐसी तांत्रिक चीज़ें दे तो आपको नहीं लेनी चाहिए। अपने मुख से कोई ऐसी बात ना निकालें जो बोलने योग्य ना हो। कम बोलें, कम बोलने से कई बार ऐसी चीज़ें जो हम गलत बोलने वाले होते हैं वो रुक जाती है, और ज़्यादा बोलने से कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिन्हें हमें नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हर साधना की शुरुआत में गणपति देव, अपने गुरु, अपने पितृ, अपने कुल देवी देवता का ध्यान अवश्य करें। लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, कवच का पाठ अवश्य करें, और साधना की पूर्णता पर दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। जितने मंत्र आपने सिद्ध किए हैं उसके दसवें भाग से आपको हवन करना चाहिए। जिस हवन में जो विधि आई है, जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिन चीज़ों के साथ हवन की विधि बताई गई है, उन चीज़ों से ही आपको हवन करना चाहिए। और अगर देवी पूजा कर रहे हैं तो कन्या पूजन अवश्य करें। अगर देवी पूजा नहीं कर रहे, अन्य पूजन है, तो ब्राह्मण भोजन, ब्रह्मचारी भोजन, इस ये आप करवा सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखें, साधना के दौरान जो भी आप भोग लगाएंगे वो आपके अलावा कोई और इसका सेवन ना करें, ये बात का ध्यान रखें। और पूरी साधना के दौरान अपने गुरु और अपने इष्ट का ध्यान करते रहें। आज मैंने आप सभी से शेयर किया है छोटी छोटी बातों को, जो लोग भी साधना शुरू करने जा रहे हैं ध्यान रखें इन नियमों को। इसके अलावा भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।